जी हाँ, महाराष्ट्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को जानकारी दे दें, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और खबर है कि सरकार मंगलवार 9 अगस्त यानी कल के ही दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करती नजर आ सकती है। इसमें मंत्रियों की गिनती कितनी रहेगी, इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन ये कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे विधान भवन परिसर में होने की संभावना जताई गई। इससे पहले खबरें थी कि 15 अगस्त से पहले शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो जाएगा, लेकिन 11 बजे विधान भवन परिसर में कल 9 अगस्त मंगलवार को यह शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिलेगा। और ये एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि शिंदे सरकार को बने हुए कह सकते हैं 36-37 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अभी तक कैबिनेट विस्तार पर कोई फैसला नहीं सामने आया था। जानकारियां कुछ ऐसी आ रही है, कई जानकारियां 12 यहां पर विधायकों की पुष्टि करती नजर आ रही, कुछ में 15 से 16 मंत्रियों का नाम है तो कुछ में 20 मंत्रियों तक की भी लिस्ट यहां पर सामने आई है। आप सभी को जानकारी दे दें कि शिंदे के खेमे और भाजपा से लगभग 15 से 16 मंत्रियों तक की यहां पर खबरें जताई जा रही हैं। राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए समय सारणी तय करने के लिए राज्य विधानसभा और परिषद के लिए व्यावसायिक सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा। 37 दिन हो गए हैं लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का कोई कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। इस बात में भी काफी हकीकत है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में कोई और संकट नहीं मंडराने दिया यहां पर, जबकि मंत्रिपरिषद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। इन दोनों ने अकेले नहीं यहां पर पूरा जिम्मा उठाते नजर आए और करीब 700 से ज्यादा फैसले लिए थे एकनाथ शिंदे ने अपने सीएम पद के तौर पर, यह भी खबरें सामने आई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 10 अगस्त से 18 अगस्त तक होने की संभावना है, क्योंकि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है। इससे पहले खबर आई थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि 11 बजे सुबह कल हमें यहां पर शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कई निशाने विपक्षी पार्टियों पर साधे थे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसी बात को लेकर बार बार तीखे तंज कस रही थी कि यह सरकार गिरेगी तो सिर्फ कैबिनेट विस्तार के मामले की वजह से गिरेगी। अब कैबिनेट विस्तार मामला भी आप सभी को बता दें कि क्या बड़ी शर्तें रखी थी। शर्त के अनुसार सामने आया था सूत्रों के अनुसार कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जब भाजपा ने शिंदे के साथ हाथ मिलाया था तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दो वादे किए थे, एक कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके खेमे को नई सरकार में 2/3 मंत्री पद दिए जाएंगे, इसलिए अधिकांश शिवसैनिक विधायकों को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री या जूनियर मंत्री बनाने का वादा किया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपना पहला वादा पूरा किया, लेकिन उनके वफादारों को 2/3 मंत्री पद देने पर पैर पीछे खींच लिए, इसलिए कैबिनेट विस्तार में लगातार देरी हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उस मामले को लेकर भी देरी हो रही थी। लेकिन अब खबरें हैं कि कल यानी 9 अगस्त मंगलवार को सुबह 11 बजे मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल सकता है। 12 से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है यहाँ पर मंत्रियों का, 12, 15, 16 या 20 भी एक अप्रोक्स आंकड़ा हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उसमें शिंदे के मंत्री कितने रहेंगे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के मंत्री कितने, और निर्दलीय मंत्रियों में क्या किसी को जगह मिलती है या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।